हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल एंड योर निशा इज हियर विद न्यू व्लॉग। आई नो मेरी आवाज़ थोड़ी बैठी हुई लग रही होगी क्योंकि एक हफ्ते से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बट आज है कुछ स्पेशल और ये व्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है बिकॉज मैं जा रही हूँ शीतल पैरी की वर्कशॉप में। दिस इज़ माई सेकेंड वर्कशॉप, पहले मैंने वेवरफुल की वर्कशॉप की थी और अब है शीतल पैरी की, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। रात को व्लॉग नहीं बनाया बिकॉज थोड़ी सी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, बट अभी बेटर फील कर रही हूँ। मैं प्रॉपर एकदम रेडी हो चुकी हूँ जाने के लिए, बस मेरा रैपिडो आ रहा है, फिर मैं जल्दी से दिखाती हूँ वर्कशॉप में मैंने कितना ज़्यादा मस्ती की, धमाल किया। देखते रहिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा। और यहाँ मैं निकल चुकी थी अपनी वर्कशॉप के लिए मेट्रो से, फिर मैं पहुँची अपनी लोकेशन पर जो कि सारे बच्चे वेट कर रहे थे और बॉयज़ नहीं थे इसमें, बहुत सारी गर्ल्स थी बिकॉज शीतल पैरी मैम की वर्कशॉप थी, तो ऑब्वियस ही बात है गर्ल्स तो होनी ही थी यहाँ पे। फिर हम लोगों को ये बैंक्स दिए गए ताकि एंट्री हो तो उन्हीं लोगों की हो जिनके रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। सो मैंने भी अपना ब्लू बैंक बनवा लिया एंड सबसे बड़ी चीज़ कि वर्कशॉप के 4 घंटे बाद मैं नहीं उतारा, मुझे अब ध्यान आया। देन उसके बाद सारे बच्चे वेट कर रहे थे और मैं भी बहुत प्रिपेयर थी एंड एक्साइटेड थी, वेट कर रही थी शीतल पैरी मैम के आने का। सो गाइस, दिस इज़ माय लुक ऑफ द डे, कैसा लग रहा बताइएगा कमेंट सेक्शन में। यहाँ पे ये छोटी सी बच्ची भी दिखी मुझे, बहुत क्यूट थी एंड बहुत कूल लग रही थी, सबसे छोटी थी एंड सडनली मैंने देखा कि हुटी हो रही है, फिर मैंने देखा कि शीतल मैम आ चुकी हैं एंड शी इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल यार। मतलब जो मैंने वीडियोज़ में देखा है, रील्स में देखा है, इनको शोज़ में देखा है, ये उससे भी ज़्यादा इतनी प्यारी दिख रही थी, लाइक ए डॉल, बहुत प्यारी लग रही थी एंड थोड़ा लो भी थी बिकॉज उनका छोटा सा एक्सीडेंट हो चुका था, उनका वर्कआउट के टाइम थोड़ा पैर ट्विस्ट हो गया था, बट शी इज अप्रिशिएटिंग टू ऑल ऑफ अस एंड हालचाल हुए, फिर हम लोगों ने अपना वर्कआउट करना शुरू कर दिया। फिर ऑल ओवर वर्कशॉप के सेशन के बाद यहाँ 5 बजे सेलेक्ट हुए जिनमें से मैं भी थी, बट इन 5 के बाद मैं भी हट चुकी थी, लेकिन बहुत मज़ा आया कि मैं सेलेक्ट हुई, काफ़ी अच्छा लगा। अपनी कुछ गलतियों को देखने का मौका मिला कि हाँ भाई मुझे क्या सीखने की ज़रूरत है। आपके देख 5 में से भी 4 हो गए, फिर और मज़ा आया मुझे करने में एंड मैम ने बहुत सारी नॉलेज दी हमको, उनको भी बहुत मज़ा आया। आफ्टर दैट लास्ट शो केस था जो कि था हमारी शीतल पैरी मैम को, और उन्होंने पूरा हिला डाला भाई पूरे फ्लोर को, लेकिन इतना मजा आया ना उनको लाइव डांस देखकर भाई, मतलब लाइक अ ड्रीम, आइडियल है भाई वो सबकी। और फिर हमारे यहाँ पे सबका फोटो सेशन होना शुरू हो गया, लाइन बाय लाइन, वन बाय वन सब लोग फोटो सेशन कराते रहे। वर्कशॉप अब कम्प्लीट हो चुकी है और आप लोग देख रहे हैं कि फोटो सेशन चल रहा है और मेरे भी फोटोज हो चुके हैं। फोटोज आ रही हंसते हुए, आगे भी सोच रही हूँ मैं आपके साथ दोबारा ले लूँ, बट आप देख सकते हो यहाँ पे। सो ये था मेरा वर्कशॉप का दिन। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।